हेलो गाइस, मैं मोना सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है हमारी तुम्हारी बातें। तो मैं हूँ अपने ससुराल में। ये है मेरी ससुराल, मिलिए। जब से मैंने चैनल खोला है, मैं अपने ससुराल में नहीं आई हूँ, तो आज मैं अपने ससुराल में हूँ। रात ही यहाँ पहुँची हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था। और अभी यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, और मेरे बच्चे और मेरे जेठ जी के दो बच्चे यहीं पर रहते हैं, वो यहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पुताई हुई है। बच्चे तो आप पता ही है ना, बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं जब तक उन्हें ना बताया बजाए, बता के भी वो नहीं करते आजकल के बच्चे। तो मैं यहाँ पर लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा सफाई कर रही हूँ। पापा जी की तबीयत ठीक ठाक सी नहीं रहती है, तो बेचारे जितना उनसे होता है उतना कर लेते हैं। पर लेडी अभी यहाँ पर कोई नहीं है मेरे अलावा, तो शाम तक शायद मम्मी जी पहुँच जाए। तो देखो घर की हालत, यह है मेरा ससुराल। यहाँ आई थी मैं शादी होके, देखिए। और हमेशा बाहर रहती हूँ ज़्यादातर मैं, तो मुझे बाहर की ही आदत भी हो गई है, सही बताऊँ तो। पर फिर भी अच्छा लगता है कभी कभी अपने परिवार में आना और मिलना। आज भी इस घर को जब मैं अभी सिंगवा रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी शादी हुई है मेरी, और जैसे मैं पहले करती थी ऐसे ही कर रही हूँ घर साफ। और क्योंकि सर तो पहले मुझे तो छोड़ के चले गए थे, 2-3 महीने मैं यहाँ रही सास ससुर के साथ, तो वही मुझे फीलिंग आ रही है। देखिए, दिखाती रहूँगी मैं आज आपको अपनी ससुराल का ब्लॉग, बने रहिए मेरे साथ। देखो अपने घर का नतीजा, जब मैं यहाँ वहाँ बोलती हूँ ना बिना गुड़ी में, मेरा ये काम कर दो, मैं तो आदमी भेज देता हूँ उनसे करवा लेना। ये देखो पोचा लगा रहे हैं यहाँ। ये देखो गाइज, इस बार मेरा ब्लॉग आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखो अपना घर, ये देखो क्या है, देखा है कभी आपने SBSO साहब को इस तरह काम करते हुए? आज देखना, ये देखो मैं मुंह भी दिखा दू, कभी सोचो कि भाई पीठ ही दिखाई, कोई और तो नहीं है। ये देखो, ये देखो, नाइस नाइस पर्सन, नाइस वर्क। ये देखो वाह, अभी समय वहां बिनागुड़ी में ऐसे ही काम कराऊंगी, और नहीं किया ना तो इन झगड़ा करूंगी फिर मैं इनसे। देखो आहा, चमक देखो चेहरे पे अभी भी इतना काम करने से, क्योंकि ये अपना घर है, है ना। ये देखो बिल्कुल काला हो रखा था यहाँ। ओके गाइस, यहाँ हो रहा है मेरे ससुराल में काम थोड़ा सा, तो लेबर लगी हुई है। और ये है हमारा खेत छोटा सा, जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे कमरे के बाहर ही खेत है। तो देखिए इस पर धनिया वनिया सब लगा है, तो यहीं से ही तोड़ते रहते हैं, यहीं से ही निकाल निकाल के डेली रूटीन की जो सब्जियां हमारी होती हैं उन्हें हम बनाते रहती हैं मेरी मम्मी जी, मतलब मेरी सासू माँ। देखिए गाइस, ये देखो ये धनिया है, ये देखिए ताज़ा ताज़ा धनिया तोड़ो और बस सब्जी में डाल दो। ये मूली है, सिंगरे हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। उधर मटर बो रखी है, देखो ये गार्डन है हमारा इतना बड़ा। देखिए गाइज, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ चाची जी के घर, यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी चाची जी, तो ये भी मेरा ससुराल ही है। तो मैं यहाँ आई हूँ मिलने के लिए, तो आपको मैं दिखाती हूँ चाची जी कैसा है। चाची जी, और 5:30 बज रहे हैं, और बन रही है हमारे यहाँ मक्का की रोटी, और वो भी चूल्हे पे गर्मा गर्म। देखो तो हमारे यहाँ भी बनती है मक्का की रोटी, और मतलब हमारी तरफ ज़्यादा पसंद करते हैं मक्का की रोटी, चावल की रोटी। तो सर्दी सर्दी हमारे, और यहाँ ठंड बहुत हो रखी है, मतलब जैसे वहाँ वेस्ट बंगाल में ठंड नहीं है, यहाँ ठंड बहुत है। देखिए गाइस, देखो भाई, ये है मेरी ननद, और ये सबसे बड़ी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है, यानी कि पहले दीदी, फिर नरेश भैया, फिर मेरे हस्बैंड, और फिर विनोद देवर जो सबसे छोटा है। तो ये सबसे बड़ी है, बोलो दीदी। अब देखो दीदी सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, इतना ही बोलो, मैं सबसे बड़ी हूँ। देखो ये मम्मी जी तोड़ रही हैं खेत में से हरी सब्जियाँ, जो मैं आपको कल बता रही थी कि मेरी सासू माँ तोड़ती हैं थोड़ी 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 करके हरी सब्जियाँ, और बना देती हैं। मम्मी जी मूली के पत्ते खाएंगे तो फट खेत में चली गई,
और मूली के पत्ते तोड़ के ला रही है। ये लीजिए गाइस, आज मैं आपको कराती हूँ उनके दर्शन जिनकी वजह से मैं इस पोजीशन पे हूँ, यानी कि SBSO की वाइफ हूँ। तो SBSO साहब की हैं ये मम्मी, तो इनकी वजह से मैं इतनी बड़ी गद्दी पे बैठी हुई हूँ। ये है मेरी सासू माँ, तो मिलिए गाइस मेरी सासू माँ से। अब बहुत टैलेंटेड है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, हम लोग तो मतलब इतना कर ही नहीं सकते जितना ये करती हैं। और देखो हरे पत्ते अभी भी हाथ में हैं, और मैंने जरा सा कहा, मैंने कहा मम्मी जी मूली के पत्ते खाएंगे, तो फटाफट चली गई हैं खेत में और तोड़ के ले आई। बहुत प्यारी हैं ये, और बहुत प्यार करती है सारी बहुओं को हमें। तुम भी तो प्यारी हो। देखो तो आज ये मेरा स्पेशल ब्लॉग है सासू माँ और ससुर जी उनका, क्योंकि मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है पापा जी का भी, अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा एक साथ ही दिखाऊंगी दोनों का, तो आज पापा जी का भी दिखाऊंगी आपको। और ये है मेरी सासू माँ, ये मेरी सब कुछ है, सब कुछ। ससुराल में बहुत साथ दिया है इन्होंने मेरा हर चीज़ में। और अगर से तो पापा कुछ भी करते हैं ना, तो मैं इनसे शिकायत कर देती हूँ वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं करते लेकिन ये बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ। देखो गाइस